वेलकम प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आने वाले वीडियो आप लोग देख सकें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है जरा देखिएगा। पहले मैं इसको पूरा रीड करता हूँ, उसके बाद इसकी आपको हिंदी में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपसे बोल रहा है। राइट फाइव पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए कॉमा बी सच दैट ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू माइनस थ्री, वन सच दैट पेयर इज सिक्स कॉमा माइनस टू बिकॉज सिक्स डिवाइड बाई माइनस टू इज इक्वल टू माइनस थ्री। देखिए क्या आपसे बोल रहा है कि आपको पांच ऐसे पेयर लिखने हैं, आपको फाइव ऐसे पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के, जिसमें कि अगर हम ए का डिवाइड बी से करें तो आपका माइनस थ्री निकल के आए। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल के तौर पर आपसे उन्होंने बोला है, जैसे मैंने सिक्स और माइनस टू को लिया है, क्योंकि सिक्स का अगर हम माइनस टू में डिवाइड करेंगे तो आपका माइनस थ्री आंसर निकल के आएगा। देखिए माइनस आपका जब डिवाइड जब आपका आंसर माइनस में आता है और आप किसी से डिवाइड करते हैं तो ये चीज को आप लोगों को ध्यान रखना है कि एक इंटीजर आपका पॉजिटिव का रहेगा और एक इंटीजर आपका माइनस का रहेगा, तब आपको डिवाइड करने पर आंसर आपका माइनस में निकल के आएगा। तो ये इन्होंने यहाँ पर बताया है। ठीक है, तो आपको फाइव पेयर और लिखने पड़ेंगे, फाइव पेयर आपको और लिखने पड़ेंगे जो कि आपको ऐसे पेयर बताने हैं जिसमें आंसर आपका माइनस थ्री आए। तो या तो आप ओरली करेंगे या एक्स मान के भी कर सकते हैं। एक्स मानना कब तक मानेंगे, मैंने एक्स बार बार बता रहा हूँ आपको, उसमें भी समझना चाहिए। ठीक है, तो देखिए मैं डायरेक्ट यहाँ पर बात करता हूँ कि आंसर आपको, मान ली मैं फर्स्ट पेयर की बात करूँ, यहाँ पर आंसर आपका माइनस का थ्री आना चाहिए। यहाँ पर माइनस का थ्री आएगा ना, तो यहाँ पर देखिएगा कुछ ऐसा हम यहाँ पर नंबर लिखेंगे जो उसी के टेबल में थ्री टाइम्स जाता हो। ये बात आप ध्यान रखिएगा जरा। जैसे मैं यहाँ पर नाइन मानता हूँ, क्या मानता हूँ नाइन, इसको लंबा लिखता हूँ मैं, मैंने यहां पर नाइन मान लिया। यहां पर डिवाइड करेंगे कुछ भी नंबर होगा यहां पर और आपका आंसर तो माइनस, ये आपका कांस्टेंट रहेगा, ये आपका चेंज नहीं होगा माइनस थ्री। ठीक है, चलिएगा। और एक बात मैंने आपसे बोला था अभी, और मैं यहां पर पेयर लिख दूंगा जो मेरे आंसर आएंगे, मैं यहां पर पेयर लिखूंगा फर्स्ट का कौन कौन से पेयर मेरे बने थे। देखिए माइनस में अगर आपको थ्री लाना है तो जो दो पेयर दो नंबर जो आपके यहां पर आएंगे, दोनों नंबर में किसी एक को आपको माइनस का होना पड़ेगा। चाहे आप माइनस इसे कर दीजिए, चाहे आप माइनस इसे कर दीजिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपको माइनस टू इन्होंने दूसरा वाला इंटीजर किया है, आप चाहो तो पहले वाला भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी आपका गलती नहीं आएगी। चलिए तो माइनस आपका हो जाएगा पॉजिटिव का नाइन, तो यहाँ आपका माइनस का आपको करना ही पड़ेगा, यहाँ आपको माइनस का करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर माइनस का थ्री आएगा। तो देखिए नाइन में कितने का डिवाइड करेंगे, थ्री आ जाए आपका। तो देखिएगा थ्री थ्री जाए नाइन हो गया आपका। यहाँ पर आप x भी मान सकते हैं, तब भी आप आंसर आपका माइनस थ्री आएगा। ठीक है, चलिए मैं पहले वाले में यहाँ पर x मान लेता हूँ, उसके बाद आपको खुद करना पड़ेगा। ठीक है, खुद करना पड़ेगा आपको। मैं एक में x मान के आपको बता दे रहा हूं। तो नाइन ये कहां पर आएगा डिवाइड, नीचे आएगा ना, x इक्वल टू माइनस थ्री रहेगा। अब देखिए आप बोलेंगे सर अब x को यहां पर पहुंचाएंगे, क्योंकि यहां पर आपका नीचे है, x यहां नीचे है तो आपको ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। अगर x ऊपर होता तो उसको मैं उसी जगह पर रखा रहने देता। तो x आपका नीचे है तो यहां पर जाएगा, ये ऊपर है तो आपका यहां आएगा। तो देखेंगे इसको हम कैसे करेंगे। चलिए मैं यहां करता हूं, ये 9 था आपका, 3 ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, x आपका नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, क्योंकि मुझे x की वैल्यू फाइंड करनी है और जो वैल्यू फाइंड करनी है इसको मैं ऊपर ही रखता हूं। तो देखिएगा 3 3 या 9 एक तरफ माइनस है ना, तो माइनस का आ जाएगा, तो माइनस का थ्री, वही मैंने यहाँ पर आपका रखा था माइनस का थ्री। बस ऐसे आपको सॉल्व करना है। लेकिन एक्स कब तक मानेंगे आप बताइएगा, इतना टाइम भी नहीं लेगा पेपर में। ठीक है, तो अब एक्स आपको नहीं मानना है। ठीक है, चलिए तो एक आपका पेयर बना, क्या बना पेयर आपका, एक बना पेयर नाइन और माइनस थ्री, एक पेयर आपका ये बन गया। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, माइनस नाइन यहां लगा सकते हैं, यहाँ पॉजिटिव का थ्री भी लगा सकते हैं, तब भी आपका माइनस थ्री ही आएगा। ठीक है, वो आपका गलत नहीं होगा। तो पेयर फर्स्ट आपका यहां पर बन गया, पेयर टू बनाएंगे। चलिएगा देखिएगा डैश डिवाइड बाई डैश, देखिए ये आपके ए है, ये वैल्यू आपकी ए रहेगी और ये वैल्यू आपकी बी रहेगी। इसको जरा भी आप समझिएगा, यह है ना ए डिवाइड बाई बी, तो ये आपका ए है, ये आपका बी है। क्लियर हो गया। चलिए अब हालांकि आंसर में आपका
जो क्वेश्चन दिया है इस वाले को माइनस रखा है, तो हम भी इस वाले को ही माइनस रख के चलेंगे, कोई आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, सही होगा, मार्क्स आपको मिलेंगे। देखिएगा यहां पर, अब मैंने क्या किया, नाइन के बाद, नाइन के बाद मैंने 12 कर लिया, 3 का मल्टीपल यहां पर हम रखेंगे, 12 कर लिया मैंने, आंसर आपका माइनस का 3 आएगा। जब यहां मैंने पॉजिटिव किया तो यहां आपका माइनस आएगा, ठीक है। तो 12 में कितने का डिवाइड करेंगे जब आपका 3 आ जाए, तो देखिए 4, 4, 3 या 12, तो आपका इंटीजर क्या बना देखिए, प्लस का 12 और माइनस का 4, सेकंड वाले क्या बना, प्लस का 12 और माइनस का 4, ये आपका बन गया, ये दूसरा आपका हो गया। तीसरा देखिए क्या करेंगे, यहां 15 मान लेते हैं, यहां पर हम 15 मान लेते हैं, ठीक है, आपका माइनस का 3 आएगा ना, तो यहां पर तो माइनस का आएगा, क्योंकि एक तो माइनस कम से कम होना चाहिए, तो यहां पर देखें 5, 5, 3 या 15, तो अगला क्या बना आपका, प्लस का 15 माइनस का 5, प्लस का 15 माइनस का 5, ठीक है, ये बन गया आपका। फोर्थ देखते हैं क्या है, अब मैं यहां पर 18 मान लेता हूं, डिवाइड इक्वल टू माइनस 3, तो यहां पर देखिए 3 6 18, तो माइनस का 6 आएगा ना, तो प्लस के 18 माइनस का 6, क्लियर हो गया ना, ये आपका फोर्थ वाला हो गया। अगला क्या मानेंगे, अगला कुछ भी मान लीजिए, 21 मान लीजिए, ठीक है, 27 मान लीजिए, 33 मान लीजिए, चलिए मैं 33 मान लेता हूं, 33 मानिएगा, तो ये तो आपका माइनस 3 रहेगा ना, देखिए यहां पर आपका एक सिंगल माइनस होना चाहिए, मैंने माइनस यहां कर दिया, 11, 3 या 33, तो पॉजिटिव का 33 और माइनस का 11, ठीक है, एक पेयर आपका ये हो गया, देखिए 5 पेयर आपके यहां पर हो गए हैं, मानने को आप कुछ भी मान सकते हैं। अब देखिए मैं और कितने कितने एग्जांपल मान सकता हूं, ये तो मैंने आपका आंसर के लिए समझा दिया मैंने, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए बोला। अब देखिए मैं कुछ भी मान सकता हूं, कुछ भी मान लीजिए, मैंने यहां पर मान लिया 300, ये मैंने माइनस का मान लिया, डिवाइड बाई 100 मैंने कर दिया, बताइए क्या ये माइनस 3 नहीं आएगा, तो ये भी आपका आंसर हो जाएगा, माइनस के 300 और प्लस का 100, क्लियर। अगला देखेंगे, आप 30 मान लीजिए, डिवाइड बाई आप 10 कर दीजिए, माइनस 3 है ना, और किसी को एक को माइनस कर दीजिए, मान लीजिए इसको मैंने माइनस कर दिया, तो माइनस 30 और 10, ये आपका पेयर बन जाएगा। आप यहां पर क्या कीजिएगा, यहां पर आप चलिए 90 मान लीजिए, डिवाइड बाई 30 कर दीजिए, आपका माइनस 3 आ जाएगा, यहां माइनस नहीं लगाना आपको, यहां लगा दीजिए, ये पेयर बन जाएगा, प्लस के 90 माइनस का 30, ठीक है, तो ये आपके इस तरह से पेयर बन जाएंगे, आप लोग इसको देखिएगा। अब क्वेश्चन नंबर आपका 5, 6, 7 बचा हुआ है, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे, ठीक है, ऑल द बेस्ट।